हेलो दोस्तों, यह है आजू स्टफ F15 लैपटॉप जिसे मैंने अमेज़ॉन से 78,000 में ऑर्डर किया था। इस वीडियो में हम इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पैकेजिंग वगैरह काफ़ी अच्छा किया है अमेज़ॉन ने। अमेज़ॉन के पैकेजिंग के अंदर यह कंपनी का ओरिजिनल पैकिंग है आजूस का, और हम इसे ओपन करते हैं। और दोस्तों, ये है हमारा लैपटॉप, एकदम बॉक्स के ऊपर ही रखा हुआ है। लैपटॉप के साथ आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं आजू स्टफ के, आप चाहें तो इसे चिपका सकते हैं लैपटॉप के ऊपर। और अभी हम लैपटॉप को पहले साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें लैपटॉप के अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, मैनुअल वगैरह, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। बाकी दो साइड के बॉक्सेस खाली हैं और एक साइड में हमें ये अडेप्टर मिल जाता है। और ये पावर टू अडेप्टर का केबल, और बाकी सब बॉक्सेस खाली हैं इसके अंदर। अभी हम जल्दी से लैपटॉप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। दोस्तों, ये है हमारा लैपटॉप, इसके ऊपर मेटल फिनिश में आता है ग्रे कलर में। अगर आप ब्लैक लेते हैं तो उसमें प्लास्टिक आएगा। और इस लिड को हम जल्दी से ओपन कर देते हैं। कैमरा के पास लिड में ओपन करने के लिए थोड़ा सा लिड को एक्सटेंड किया है, उससे हम आराम से लिड को ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, लैपटॉप में कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं रिफ्रेश रेट का, और ये डुअल फैन, हनीकॉम पैटर्न, वो सब आप देख सकते हैं। और अभी हम लैपटॉप को 3 घंटे तक चार्जिंग पे लगाएंगे, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, ये लैपटॉप के बैक साइड में आप जैसे देख सकते हैं, इस बार काफ़ी सारे वेंट्स ओपन किए गए हैं और फैन के जस्ट नीचे के वेंट्स ओपन किए गए हैं, जिसकी वजह से हमें इसका थर्मल्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके लेफ्ट साइड में भी एक वेंट ओपन किया गया है। और लैपटॉप के डिस्प्ले के जस्ट नीचे भी एयर इंटेक के लिए थोड़े वेंट्स बनाए गए हैं। लैपटॉप को फुल चार्ज करने के बाद अब हम लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड वगैरह काफ़ी जल्दी जल्दी ब्लिंक होते रहता है। और दोस्तों, ये लैपटॉप हमारा स्टार्ट हो गया। और इसके बाद हमें विंडोज 10 के काफ़ी सिंपल से सेटअप्स मिलते हैं, जिसमें हमें ईमेल आईडी वो सब एंटर करना होता है। दोस्तों, इस लैपटॉप का मैं आगे भी रिव्यूज़ लाता रहूँगा, वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।